नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक उपाध्याय, सहायक आचार्य। आज हम लोग ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत बेलन, शंकु, गोला एवं पिरामिड के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एक एक करके इन आकृतियों के क्षेत्रफल को समझेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझेंगे। सबसे पहले हम बेलन को लेते हैं। बेलन क्या होता है? कागज की अनेक वृत्ताकार शीट लेकर उनको एक के ऊपर एक रखने से जो ज्यामिति आकृति प्राप्त होगी उसे हम लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऊपर वाले चित्र में वृत्ताकार शीट दिखाई पड़ रहा है और उन्हें एक के ऊपर एक रखने से एक आकृति बन रही है जिसे हम लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। लंब वृत्तीय बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, जैसे कि ट्यूबलाइट, कोल्ड ड्रिंक की केन, गोल बिजली का खंभा, पानी की पाइप इत्यादि। बेलन के बारे में हम ये देख सकते हैं, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, यानी कि वृत्ताकार कागज की शीट को लेकर के एक के ऊपर एक रखा जाए तो जो आकृति प्राप्त होगी उसे हम बेलन कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, इसे भी हम बेलन के रूप में समझ सकते हैं। इसका ऊपरी सिरा वृत्ताकार है, इसका नीचे का सिरा भी वृत्ताकार है और ये वृत्ताकार जो आकृति है ये बेलन का आधार कही जाती है। और ये जो सीधी ऊंचाई दिख रही है इसे हम बेलन की ऊंचाई कह सकते हैं। यदि कागज के वृत्ताकार शीट को आधार से समकोण बनाते हुए नहीं रखा जाए तो प्राप्त आकृति लंब वृत्तीय बेलन नहीं कहलाती है। जैसा कि आप चित्र ए में देख रहे हैं कि जो कागज की शीट रखे गए वृत्ताकार वो अपने आधार से समकोण नहीं बना रहे हैं, जबकि चित्र बी में जो आधार है वो वृत्ताकार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्राप्त आकृति को हम लंब वृत्तीय बेलन नहीं कह सकते हैं। बेलन शब्द का प्रयोग हम अब आगे से लंब वृत्तीय बेलन के लिए करेंगे। इस तरह से बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आइए देखते हैं। यदि खोखले बेलन को लंबवत काटकर फैला लें तो हमें एक आयत के आकार की आकृति प्राप्त होगी। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये एक बेलन है। अगर इसको बीच से काट करके फैलाया जाए तो जो आकृति प्राप्त होगी वो कुछ इस तरह की होगी। और इस आयत का क्षेत्रफल ही बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। जो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ए इसके लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। अगर इस आयत की लंबाई एल हो और चौड़ाई बी हो तो इसे हम एल इंटू बी लिखते हैं। अगर हम पुनः इसे बेलन के रूप में ले आए तो हम इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बेलन के आधार के परिमाप और बेलन की ऊंचाई के रूप में लिख सकते हैं। अगर बेलन की ऊंचाई h हो और आधार वृत्ताकार हो, इस वृत्त की त्रिज्या r हो, बेलन के क्षेत्रफल को बेलन के आधार का परिमाप और बेलन की ऊंचाई के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात बेलन का क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। बेलन का आधार एक वृत्त होता है और हमें पता है कि अगर वृत्त की त्रिज्या r हो तो उस वृत्त का परिमाप वृत्त की परिधि कहलाता है और वृत्त की परिधि 2 पाई r के बराबर होती है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। और अगर बेलन की ऊंचाई h हो तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू h के बराबर, यानी 2 पाई r h होगा, जहां पर r वृत्त का त्रिज्या है और h बेलन की ऊंचाई है। इसे हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। यदि बेलन के ऊपरी तथा निचले सिरों को भी ढकना हो,
जैसे ये अभी बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन के इस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल और इस नीचे के सिरे का क्षेत्रफल नहीं शामिल है। अगर ऊपर और नीचे दोनों सिरों को भी ढकना हो तो आर त्रिज्या वाले दो वृत्ताकार क्षेत्रों की आवश्यकता होगी और ऐसी स्थिति में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे के इस वृत्ताकार क्षेत्रफल और ऊपर के इस वृत्ताकार क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाता है और हम कह सकते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के नीचे और बेलन के ऊपर, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, अगर इसको हम बेलनाकार मान लें तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कहलाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के क्षेत्रफल को जोड़ के प्राप्त किया जा सकता है और इसे सूत्र के रूप में 2πRH जो कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें अगर हम वृत्ताकार आधार और ऊपर वाले हिस्से के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो हम प्राप्त कर सकते हैं। वृत्ताकार आधार जो है वो वृत्ताकार है और इसकी त्रिज्या अगर r है तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा और ऊपर वाले का भी पाई आर स्क्वायर होगा, तो इस तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH धन 2πR स्क्वायर के बराबर होगा, जहां R बेलन के आधार की त्रिज्या है और H उसकी ऊंचाई है। बेलन और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने के पश्चात आइए अब हम शंकु और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानने का प्रयास करें। यदि किसी समकोण त्रिभुज को उसके आधार अथवा लंब के परितः घुमाया जाए तो जो आकृति प्राप्त होगी उसे हम शंकु कहते हैं। मान लीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। अगर इस समकोण त्रिभुज को, जिसे हम चित्र में दिखाई पड़ रहा है, सी बी और ए मान सकते हैं, इसे हम ए बी सी कहेंगे। इस समकोण त्रिभुज का कोण बी 90 अंश का है। अगर इस समकोण त्रिभुज को भुजा ए बी के परितः घुमाया जाए तो जो आकृति प्राप्त होगी उसे हम शंकु कहते हैं। इसे हम लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आधार के साथ ये समकोण बनाता है। बिंदु ए इसका शीर्ष कहलाता है। आप देख सकते हैं चित्र में बिंदु ए यहाँ है, इसे हम शंकु का शीर्ष कहेंगे। ए बी इसकी ऊंचाई होगी तथा बी सी आधार की त्रिज्या होगी। ए बी शंकु की ऊंचाई होगी और बी सी को शंकु के आधार की त्रिज्या हम कहेंगे। अगर इसे भुजा ए बी के परितः घुमाया जाए तो हमें जो आकृति प्राप्त होगी वो कुछ इस तरह की होगी। ए सी शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ए सी को हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को क्रमशः एच आर और एल से व्यक्त किया जाता है। एसी यहाँ तिर्यक ऊंचाई है, इसे हम एल से व्यक्त करेंगे। शंकु की ऊंचाई को एच से व्यक्त करेंगे और आधार की त्रिज्या को हम आर से व्यक्त करेंगे। यदि शंकु के शीर्ष को उसके आधार से मिलाने वाली रेखा आधार पर लंब नहीं है अथवा आधार वृत्तीय नहीं है तो उसे लंब वृत्तीय शंकु नहीं कहा जा सकता है। चित्र में आप देख रहे हैं ए और बी दो शंकु दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों शंकु लंब वृत्तीय शंकु नहीं हैं क्योंकि चित्र ए में शंकु की ऊंचाई और उसके आधार को मिलाने वाली रेखा के बीच 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है। वहीं चित्र बी में आप देख सकते हैं कि शंकु का जो आधार है वो वृत्ताकार नहीं है। शंकु के कुछ उदाहरण जैसे जोकर की टोपी, आइसक्रीम का कोन, बिना नली वाला कीप इत्यादि हो सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं शंकु में दो फलक होते हैं। नीचे के चित्र में शंकु दिखाई पड़ रहा है, इसे हम शंकु कहेंगे। बाद वाला चित्र में उल्टा शंकु दिखाई पड़ रहा है। शंकु में दो फलक होते हैं, एक फलक उसका आधार होता है और दूसरा फलक उसका वक्रीय पृष्ठ कहलाता है। आइए अब हम शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने का प्रयास करें। यदि कोई शंकु है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसकी ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l है तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को 1/2 l गुणे 2πR लिखते हैं। मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे
शंकु की तिर्यक ऊंचाई गुणे आधार का परिमाप। यदि हम मान लें कि यह एक शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई L है और आधार की त्रिज्या R है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 गुणे L गुणे 2πr होगा। आधार वृत्ताकार है और आधार का परिमाप वृत्त के परिधि के बराबर होगा। इस तरह से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। यदि हम इस त्रिभुज में देखें जो ए बी और सी के रूप में दिखाई पड़ रहा है, तो यह एक समकोण त्रिभुज होगा और यहाँ पे समकोण त्रिभुज में एल बराबर √r² + h² के हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। और इस तरह से शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम पाई आर ब्रैकेट में +h² भी लिख सकते हैं। यदि हम शंकु के आधार को बंद रखें या बंद रखने का प्रयास करें, तो उसे ढकने के लिए आर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार टुकड़े की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर उसकी त्रिज्या r हो तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और इस वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर मिलकर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाते हैं। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जहां r शंकु के आधार वृत्ताकार आधार की त्रिज्या है और L शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। शंकु को जानने के बाद हम आइए गोला के बारे में अध्ययन करें। यदि किसी वृत्ताकार आकृति को उसके व्यास के अनुदेश घुमाया जाए, तो हमें एक ठोस आकृति प्राप्त होगी जिसे हम गोला कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं एक वृत्त है और वृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाया जा रहा है, तो हमें गेंद जैसी आकृति प्राप्त होती है जिसे हम गोला कहते हैं। वृत्ताकार आकृति का केंद्र ही गोले का केंद्र होता है। गोला एक त्रिविमीय ठोस आकृति है जो स्पेस में स्थित उन सभी बिंदुओं से मिलकर बनी है जो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर होते हैं। निश्चित बिंदु को गोले का केंद्र तथा निश्चित दूरी को गोले की त्रिज्या कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा है, गोले में कोई शीर्ष नहीं होता है और ना ही गोले में कोई किनारा होता है। आप देख सकते हैं चित्र में गोले में कहीं कोई शीर्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है और ना तो गोले में कोई किनारा होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, जहां r गोले की त्रिज्या है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बराबर होता है, जहां r गोले की त्रिज्या है। इसे हम एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक गेंद लिया है और गेंद के ऊपर एक कील लगा करके, उसके ऊपरी सिरे पर एक कील लगा करके गेंद को एक डोरी से लपेटने का प्रयास करेंगे। आप पूरी गेंद को डोरी से धीरे धीरे लपेटेंगे और लपेटने के बाद सावधानीपूर्वक डोरी को निकाल लेंगे तथा गेंद की त्रिज्या के बराबर वृत्त बनाकर उस डोरी को जो गेंद के ऊपर लपेटी गई थी उसे हम वृत्त में भरने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरी डोरी को समाप्त करने के लिए गेंद की त्रिज्या के बराबर 4 वृत्तों की आवश्यकता होती है। चित्र ए में देख रहे हैं डोरी लपेटी गई है, ठीक उसी तरह जैसे खेल के दौरान आप लट्टू के ऊपर डोरी लपेटते थे, उस तरह से डोरी लपेटेंगे। और जब पूरी गेंद पर डोरी लपेट लेंगे तो फिर धीरे धीरे करके उस डोरी को निकालेंगे और जो गेंद है उस गेंद की त्रिज्या के बराबर वृत्त बना करके उस डोरी को उन वृत्तों में भरने का प्रयास करेंगे। और हम ये देखते हैं कि पूरी डोरी समाप्त होने के लिए 4 वृत्तों की आवश्यकता होती है। इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वृत्त के पृष्ठीय क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर होगा। और इस प्रकार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल π4πr² होगा। चूँकि एक वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, इसलिए 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 4πr² होगा और वही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा।
यदि ठोस गोले को बीच से काटकर दो भागों में विभाजित कर लिया जाए तो प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है, जैसा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा है। ऊपर का भाग भी अर्धगोला कहलाएगा और नीचे का भाग भी अर्धगोला कहलाएगा। अर्धगोले में एक वक्रीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ होता है। अगर हम चित्र से इसको समझना चाहें तो अगर हम अर्धगोला बनाएंगे तो कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगी, जिसमें ये हिस्सा इसका वक्रीय पृष्ठ कहलाएगा जबकि दूसरा हिस्सा इसका समतल फलक कहलाएगा। अर्धगोले के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहेंगे तो यह गोले के वक्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल का आधा होता है। गोले के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है तो अर्धगोले के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² होगा। यदि हम अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें, मतलब कि ये वाला हिस्सा, ये तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जो कि 2πr² के बराबर होगा, और अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें तो उसमें हमें ये हिस्से को भी जोड़ना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि यह एक वृत्त है जो गोले के त्रिज्या के बराबर, उस वृत्त की त्रिज्या होगी और इस वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा। तो इस प्रकार से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² धन πr² बराबर 3πr² के होगा। बहुफलक, ऐसे ठोस जो बहुभुजी क्षेत्रों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बहुफलक कहते हैं। इनमें अनेक किनारे होते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, अलग अलग शीर्ष हैं, अलग अलग किनारे हैं, तथा ये एक बिंदु पर मिलते हैं जिन्हें हम शीर्ष कहते हैं। इनमें कई शीर्ष हो सकते हैं। चित्र में आपको घनाप दिख रहा है, घन दिख रहा है, पिरामिड दिख रहा है, ये आकृतियाँ बहुफलक कहलाती हैं। पिरामिड, पिरामिड एक बहुफलक होता है जिसका आधार बहुभुज होता है। पिरामिड के पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं, मतलब चारों तरफ से जो फलक होता है वो त्रिभुज होते हैं और वो सारे त्रिभुज एक बिंदु पर जाके मिलते हैं, अर्थात सभी पार्श्व फलक त्रिभुज का शीर्ष एक बिंदु पर जाके मिलता है। पिरामिड को उसके आधार के अनुसार नामांकित किया जाता है, जैसे त्रिभुजाकार पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड इत्यादि। आप चित्र में देख रहे हैं, नीचे के चित्र में एक पिरामिड चतुर्भुज के आकार का है, उसे चतुर्भुजाकार बोलेंगे, अगर वर्ग है तो वर्गाकार बोलेंगे। दूसरे पिरामिड का आधार त्रिभुज है, उसे हम त्रिभुजाकार पिरामिड बोलेंगे। त्रिभुज के आधार वाले पिरामिड में 4 शीर्ष, 6 किनारे तथा 4 फलक होते हैं, जबकि चतुर्भुजाकार आधार वाले पिरामिड में 5 शीर्ष, 8 किनारे तथा 5 फलक होते हैं। पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल तिर्यक फलकों के क्षेत्रफल प्लस आधार के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानने और समझने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पिरामिड के पृष्ठीय क्षेत्रफल को आज हम लोगों ने जाना और समझा है। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।